तो उन लोगों ने 50,000 की घोषणा कर दी। मैं देता हूं 1,00,000 रुपया अपने पॉकेट से, निजी पॉकेट से, कि आप अपराधी को पकड़ो, ध्वस्त करो, उनके घरों को ध्वस्त करो, और जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उनको फांसी की सजा देनी पड़ेगी। सर आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार की राजधानी पटना के फुलवाड़ी में जिस तरह से दो दलित लड़कियों के साथ जो जघन अपराध हुआ, जिसको लेकर बिहार की राजनीति के वो गर्माती दिख रही है, वहीं बात करें तो बिहार पुलिस के द्वारा उन अपराधियों को पकड़ने वाले को 50,000 इनाम रखा गया है, और उनकी कहा जाए तो जो बताएंगे उसकी बात को भी गोपनीय रखा जाएगा, उनके नाम को गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन वहीं बात करें तो बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर बिहार सरकार पर जमकर बरसते हुए दिख रहे हैं और कहते हुए जा रहे हैं कि हम अपने पॉकेट से 1,00,000 देंगे, पहले वो अपराधी को पकड़ें और उन पर कार्रवाई करें। पहले क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले सुनिए उनकी बातों को। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। 48 घंटा बीतने के बाद भी कोई अपराधी को चिन्हित तक नहीं कर पाई है पुलिस। कल जब हम लोग गए तो उन लोगों ने 50,000 की घोषणा कर दी। मैं देता हूं 1,00,000 रुपया अपने पॉकेट से, निजी पॉकेट से, कि आप अपराधी को पकड़ो, ध्वस्त करो, उनके घरों को ध्वस्त करो, और जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उनको फांसी की सजा देनी पड़ेगी। ये हम लोग, हमारा आंदोलन है। कल हम लोगों के आंदोलन लोगों ने किए, आज भी वहाँ हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और एससी मोर्चा आंदोलन कर रही है, वहाँ पर धरना देने का काम फुलवारी शरीफ में किया। ये नियुक्ति पत्र में 1,75,000 शिक्षकों की बहाली का हम लोगों ने वैकेंसी निकाला था, आज तक वो भी पूरा नहीं कर पाई नीतीश कुमार की यह सरकार। तेजस्वी यादव जी रोज बोलते हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दिया, अरे 1,75,000 जो एनडीए सरकार ने घोषणा किया था, जिसका विज्ञापन निकाला था, वो वैकेंसी तो पूरा कर दो। ये लोग पूरा करने वाले नहीं है, ये नौकरी के बदले जमीन खोज रहे हैं। राम मंदिर पे तेजस्वी यादव ने खुद ही सार लिए, क्या लगता है कि सभी लोग, आप लोग राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर बोल रहे हैं? देखिए, मैंने तो आग्रह किया कि नीतीश बाबू राम के वंशज हैं और लालू प्रसाद जी भगवान कृष्ण के वंशज हैं, और हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान राम और कृष्ण एक ही थे, तो भगवान राम के दर्शन में इनको क्या देरी है? ये हमारे आराध्य हैं, इस देश के आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, सभी लोगों को जाना चाहिए, हम यही कहना चाहते हैं। सर, सीट तैयारी को लेकर नीतीश कुमार ने कल कहा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, पिछले बार राजद का खाता नहीं खुला था, इस बार इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। 40 की 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए चुनाव जीतेगी। तो आपने सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी किस तरह से बिहार सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं बात करें तो जिस 22 तारीख को राम मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा होना, उसको लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। इस तमाम खबरों में न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।